मिशन क्लीन लाहौर के तहत जिले इंतजामिया की जानिब से तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। एसी सिटी अहमद रजा भट्ट और एमसीएल के रेगुलेशन ऑफिसर जुबैर बट्टू की जेर निगरानी। शालम मार्केट के 150 प्लाजों के बरामदों में बनी 350 दुकानें मिसमार। 50 से ज्यादा सरकारी जगह पर तामीरात मिसमार, अराजी बागुजार करवा ली। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद का कहना है कि ऑपरेशन करके खाली करवाई गई जगह की मालियत 3 अरब रुपए से जायद है। ऑपरेशन से कबल दुकानदारों को खुद तजावजात के खात्मे का कहा। डेडलाइन खत्म होने पर ऑपरेशन किया गया। किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त न किया जाएगा। कोताही की सूरत में ZOR समेत तमाम अमले को तब्दील करवा दिया जाएगा। डीसी सालिया सईद का मजीद कहना था कि ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद कर रही हूं, ऑपरेशन कल भी जारी रहेगा। लोग अब शाहआलमी मार्केट आने से पहले हजार दफा सोचते हैं। ये सड़क ब्लॉक, इस दुकान के सामने भी सड़क ब्लॉक है। तजावजात की वजह से सूरत हाल जो है वो ये देखें, यहाँ पार्किंग स्टैंड है, ये पार्किंग, ये सारी की सारी ये देखें। बहुत ज्यादा नजायज तजावजात की वजह से ना ये मार्केट में जो बेहंगम ट्रैफिक हो रही है। दुकानदार अपनी एंक्रोचमेंट खत्म करे, सारा जमाना तंग है। मेरी वालदा की डेथ हो गई इसी वजह से कि यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती थी। रंग महल चौक इस वक्त मैं खड़ा हूँ। रहायशी का मतलब है कि आप अपने घर के बाहर रेडी लगाएं। मैं रहायशी रहना, अपने घर के बाहर रेडी लगाएं। वो बात किसी और से करें, चलो भाईजान जाएं। और ये सूरत हाल है, ये आज से नहीं 47 साल से यहाँ कब्जा ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है। 47 साल से कब्जा है जी यहाँ हमारे लाहौर का बेड़ा के करने के लिए। यहाँ के डिप्टी मेयर है जो अच्छा काम होते हुए रोक देते हैं। वसीम कादर साहब कहते हैं जी मैं ये इलाका मेरा है, मैं हमजा का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लाडमेर का काम नहीं चलेगा। DMO को फोन किया है कि जनाब वो तमाशा प्रोग्राम वाले आए हुए हैं, अभी 10 मिनट पहले पता चला जी वहाँ पे मजीद 8 वार्ड में रागमल चौंग में आ गए हैं। सारा डिसिप्लिन यहाँ का खराब हुआ हुआ है, कोई भी बंदा किसी को कुछ कहने वाला नहीं है। काश रागमल तो लेकर शालमी तक व्यू साफ करते जाए ना, तो मैं तारतों के दुआओं लेने वाला कोई नहीं होगा। फारा चौक पार्क शालम हम खड़े हैं और इस मार्केट का आपको बहुत सारा विजिट करवा बैठे। लॉर्ड मेयर साहब ने बारहा इस पे नोटिसेस लिए, लेकिन इसका हल क्या निकला? हल निकला 0 जमा 0 = 0। सवाल मैं अगर इस तरह कर लूँ कि आप इंतजामिया से काम लेने में नाकाम हो गए हैं, तो ये भी ठीक बात है जी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी राय ना लो, आप क्या करते हैं जी यहाँ? हम इधर के अपना काम करते हैं, इधर का होल्डर है, काम तो करता है ना। इस हुकूमत ने आज तक ताजरों के लिए कुछ नहीं किया। हमने मियां शहबाज शरीफ साहब को उनकी टेबल के ऊपर बैठ के ये बावर कराया था कि शालमी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हम हर साल उनके लिए एफर्ट्स करते हैं, ताजर बहुत एफर्ट्स करते हैं उनके लिए, बैनर ये वो जो वो कहते हैं, उन्होंने हमें क्या दिया? हमदा शहबाज का हल्का है, ये आइडियल होना चाहिए। उनके जितने सियासी रुफका है वो दफ्तरों में बैठे हुए हैं, वो आए इस मसले को हल करें। हम जैसे बात चाहे तो 2 घंटे में शालमी ठीक हो सकती है। वो कैसे? वो सियासत में लगे, वो इधर भी ध्यान देना कि ये उनका हल्का है। मैं आपके चैनल के तसलसल से अपने लीडर हमदा शरीफ से कहता हूँ कि सर मैं स्कीम है मेरे पास, आपको विद इन 1 मंथ चेंज ना नजर आया, इंशाल्लाह आपकी जूती और हमारा सिर होगा। फिर हमदा शहबाज साहब तो सियासत में लगे हुए, ताजरों के साथ आए, ताजर हम हैं। हमदा शहबाज साहब उस वक्त बच्चे थे जब से हम नून लीग के हैं। कैमरामैन साहब अगर दिखा सके तो ये देखिए जी, ये देखें यहाँ के कूड़े की सूरत हाल भी आप देख सकते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के सिपाही कहने वाले, मियाँ शहबाज शरीफ को अपना सिपाही मानने वाले, आज उनके खिलाफ अगर बात करें तो गलत बात है। ट्रांसफार्मर जो है वो रोड पर लगा गए, कितने दिन से लगाए जी? 15 दिन से। ये देखें जी कूड़ेदान, जदीद तरीन कूड़ेदान ट्रांसफार्मर के नीचे। पिछले 3 घंटे में इसी लाइन में खड़े हुए हैं, यकीन माने बहुत बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा। गाड़ी जब उठाते हैं तो लगाने की जगह नहीं मिलती है। तमाशा प्रोग्राम का कि ये अवामी मसाइल पे बड़ी जो है बहुत खुलेआम बात करते हैं और बड़ी बेलाग बात करते हैं, इसकी वजह से अवामी मसाइल हल भी होते हैं। तमाशा प्रोग्राम की वसात से हम इंशाल्लाह हफ्ते बाद या 10 दिन बाद जब ये हो जाता है दोबारा, तो दोबारा विजिट कर लेंगे और ये सबके सामने आ जाएगा कि सिचुएशन में किस हद तक इम्प्रूवमेंट आई है। CTO साहब जो हैं वो हमारे साथ विजिट करेंगे और मजीद निशानदेही भी करवाते हैं। पठान यहाँ गत्ते रख रहे हैं और ये किसी वक्त भी कोई ना कोई वाकया हो गया तो उसका कौन जिम्मेवार हो, इनको कौन पूछेगा? प्रोग्राम तमाशा के प्रोडक्शन टीम की बेहद शुक्रगुजार है और हम भी आपसे इस चीज का वादा करते हैं कि ताजर की चेंज जाता है। अनलोडिंग कौन करा रहा है? दुकानदार के ऊपर FIR। यहाँ पे फुटपाथ किधर गया है, पार्किंग किधर गई है, सारा दुकानदार ने सामान रख दिया। नहीं इनके लिए नहीं है, ये येलो लैंड पार्किंग के लिए, ये तो दुकान के अंदर जाना चाहिए सामान। शालम मार्केट इस वक्त मसालेस्तान और CTO साहब का खसूसी विजिट आपको दिखा रहे हैं। कल से
کل سے یہ جس جس کا مال باہر نظر آئے گا سی ڈی او صاحب کے حکم کے مطابق اس پر ایف آئی آر دی جائے گی۔ شالم مارکیٹ میں آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، ان پر دہشت گردی کی جو ہے نا دفعات لگائیں گے اور ان کو جو ہے نا 6 مہینے تک ضمانت دینا ہو۔ یہ اب آپ ان لوگوں کا ہے یا ان کا سامان؟ جی ان لوگوں کا ہی ہے، یہ سامان یہ آپ لوگوں کا ہی۔ ہاں جی چکو 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 چکو۔ میں نے ان کے ساتھ جہاں آ کے ان کے ایک سنیے ان کے سنیے ان کی ان کی کمیٹ ان کے جو صدور ہیں ان کے ساتھ جہاں آ کے 14 سے زیادہ پروگرام کیے ہیں اور بڑی مشکل کے بعد آج ان 14 کا صلہ ملا ہے کہ کچھ نہ کچھ انکروچمنٹ کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا کام کر رہے ہیں آپ، اچھا کام کر رہے ہیں۔ تماشا پروگرام زندہ باد، تماشا پروگرام زندہ باد۔ میرے بھائی نے تماشا پروگرام 14 قسطیں کیے ہیں، 14 انسٹالمنٹ کے بعد ہائی کورٹ کو وہ فلم دکھائی گئی۔ ہائی کورٹ نے یہ ہمارے علی اکبر قریشی صاحب محسن لاہور جنہوں نے لاہور کا رنگ بدل دیا ہے آپ کے لیے کیا ہے، میں کہے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا چوہان صاحب کہ 1921 کے بعد مال روڈ پر جتنے بھی غیر قانونی دکانیں تھیں، انکروچمنٹ تھی، وہ لاہور پروگرام چینل کے پروگرام تباشا کے وساطت کے بعد علی اکبر قریشی صاحب نے ایکشن لیا۔ اگر 70 سال بعد وہاں کاروائی ہو سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور بہت بڑے پیمانے پہ یہاں آپریشن کی ضرورت ہے، اس آپریشن میں بہت بڑے پیمانے پر ہیوی مشینری بھی ڈپلائی کرنی پڑے گی حکومت کو، ادروائز یہ معاملات جو ہیں کنٹرول ہوتے نظر نہیں آئیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فہد شہباز خان۔ شالم مارکیٹ میں تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اس وقت، اور یہاں کیا صورتحال ہے اور اس آپریشن سے کس طرح معاملات جا رہے ہیں، اور ڈیلی کی بنیاد پر جو معزز بینچ ہے اس کو بھی اپڈیٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں کنٹریبیوشن علی اکبر قریشی صاحب کا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے وداؤٹ ایسا ہونا ناممکن ہو چکا تھا۔ اور شاہ عالم مارکیٹ میں جو لوگ بھی آپریشن کی بات کرتے تھے تو ایک وہ دیوانے کی بڑھ لگتی تھی اور ایسا ہونا ناممکن دکھائی دیتا تھا، لیکن یہ صورتحال ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ممکن ہوئی۔ پروگرام تماشا نے اس پر 20 پروگرامز کیے ہیں، ابھی آپ پروگرام کے ابتدائیہ میں دیکھ رہے تھے کہ 20 پروگرامز اس کے تجاوزات کے خلاف، اور بار بار نشاندہی کی گئی کہ شاہ عالم مارکیٹ ایشیا کی بہت بڑی مارکیٹ اور اس مارکیٹ پر قبضہ ہو چکا ہے اور تجاوزات کے جن نے اسے قبضے میں لے لیا ہے، لہٰذا ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ معاملہ جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات بھی کریں گے۔ زبیر بٹو صاحب ایم او آر ریگولیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں، بٹو صاحب بہت شکریہ، مجھے ایک تو ساتھ آپ کو لے کر چلنا ہوگا اور دکھائیں کہ کس طریقے سے میکانزم ہے، کیا میکانزم ہے، اور آپریشن میں شدت کیوں آئی ایک دم سے، یہ بہت شدت سے اب آپریشن ہو رہا ہے اور بہت ہیوی نفری بھی ڈپلوائی ہے اور یہ منطقی انجام تک بھی پہنچ رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اب بازار بھی آج کھلے ہوئے تھے سارے، ٹریفک مین پہ روکی ہوئی تھی، وہی ماڈل جو اکثر کہا جاتا تھا کہ یہ ماڈل، اور یہاں آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں بس چلا کرتی تھی، تو کیا اسے دوبارہ ریوائول کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی یہ اس وقت ہم شالم مارکیٹ میں کھڑے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ آج کا جو آپریشن ہو رہا ہے یہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ جسٹس علی اکبر قریشی صاحب ان کے جو ہے نا حکم پر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے میڈم ڈی سی جو ہے ان کی بھی یہ ہدایات تھیں، تو یہ آپریشن جو ہے پہلے ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے نا ان کو آن بورڈ لیا، ان کی کوشش ان کے ساتھ ہمارا جو ہے نا یہ ایگریمنٹ ہوا کہ یہ خود کریں گے۔ آئیے ساتھ ساتھ میرے اپنے ویورز کو ہم صورت حال بھی دکھائیں۔ انہوں نے ان کے جو ہے نا میٹنگ کرنے کے باوجود اپنی کمٹمنٹ پوری نہ کی، بلکہ جب ہم آئے تو انہوں نے جو ہے یہ کیا کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ریزسٹنس کی، مزاحمت کی، کل جو ہے اور آپریشن کو جو ہے نا 9 بجے سے لے کر انہوں نے 2 بجے تک جو ہے نا چلنے نہ دیا، جس کی وجہ سے یہ 9 سے دوپہر 2 بجے تک کل آپریشن، جس پہ رپورٹ کرتا رہا میڈیا کے، آپریشن فیل ہو گیا شاید، یہ رپورٹ ہوتا رہا نا کل، کیونکہ ریزسٹنس ہوتی رہی اور آپریشن چل نہ سکا تو یہ چلتا رہا کہ آپریشن نہیں چل رہا، رک گیا، یہ چیزیں رپورٹ بھی ہوتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ جی دیکھیں آپریشن جو ہے وہ لازمی ہونا تھا، اس کے بعد ہم نے جب ان کو دوبارہ بورڈ لیا، ان کے جو نمائندے تھے ان سے بات ہوئی، تو ہم نے انہیں سمجھایا کہ یہ آپریشن ہائی کورٹ کے حکم ہے اور یہ آپریشن ہوگا۔ دین جو ہے نا یہ 2 بجے کے بعد جو ہے نا آپریشن شروع ہوا، آپریشن جب شروع ہوا تو اس کے بعد ہم نے ان کو ایک آلریڈی نشاندہی دی ہوئی تھی، یہ مین پر ایسے آپ انٹر ہوتے ہیں لیفٹ سائڈ پر 1.5 سے 2 فٹ جو ہے نا دکانیں انکروچ ہوئی ہوئی تھیں، تو انہوں نے جو ہے نا کہا جی ہم خود شٹر اتارنا شروع کرتے ہیں، ہم نے ان کو ٹائم دیا، انہوں نے جو ہے نا انکروچمنٹ اتارا۔ کتنا ٹائم آپ لوگوں کی طرف سے دیا گیا ان کو؟ جو ہے نا شروع کر دیا جب انہوں نے، تو ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ اتارتے جائیں۔ اسی طرح جو ہے نا اس کے بعد ہم آئے اگلے جو پلازے تھے، یہ آپ روڈ کے جو ہے نا دوسری طرف جائیں گے، جو ہم انٹر ہوں تو جو ہے نا رائٹ سائڈ ہماری بنتی ہے، وہاں جو پلازے تھے مختلف ان میں جب ہم آئے تو وہاں جو ہے نا انکروچمنٹ جو ہے نا یہ تھی کہ میں آپ کو بتا دوں،
यहाँ जो है ना अजीब इंक्रोचमेंट है कि नक्शे में एक बरामदा है, पैसेज है, गुजरगाह है जो पब्लिक के गुजरने के लिए, लोगों के गुजरने के लिए, और वो पैसेज गुजरगाह इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने जो अपनी दुकान का हिस्सा बना लिया है और उस पर इंक्रोचमेंट कर ली और आगे उसको जो है ना दो रेंट पर दे दिया। ये इसी तरह ये सारा जो जाम खड़े हैं। मैं अभी आपको जो है ना थोड़ा सा आपका कैमरा जी आती है, सब लोग आते हैं, जब उनकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है, सरपरस्ती में हो रहा है, उस पर कोई चीखे नहीं मारता। जब दुकानदार इन चीज़ों का आदि हो जाता है फिर ये आगे ऑपरेशन शुरू हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक है जी ये? देखिए नहीं, ये मैं आपको जो है ना थोड़ा सा रास्ता दें, रास्ता दीजिए। हाँ थोड़ा सा रास्ता दें, ये दिखाएगा आपका कैमरा मैन। ये पिलर है, ये पुरानी बिल्डिंग है और इसके ऊपर जो है ना इन्होंने वैसे अपनी जो है ना काली है, ये सीमेंट वगैरह सारा नया किया। ये यहाँ से ओल्ड बिल्डिंग है, यहाँ से 10 फुट जो है ना आप उधर जाएंगे तो बेशक ये खुद फीते थे, इनको निशानदेही कर दी गई। ये तकरीबन यहाँ तक जो बन जाता है, ये आप इस प्लाजे में जो जिसको देख रहे हैं कि ये देखिए नीचे इन्होंने एक बेसमेंट भी बना लिया है और जो है ना ये सारा इधर से जो है ना मेन रोड से बरामदा आ रहा है और यहाँ से ये बरामदा टर्न होकर ये देखो सामने जो है ना आपका कैमरा मैन दिखाए, ये सारा बरामदा है, ये सारा कॉरिडोर है। आइए मेरे साथ, हम रिव्यू को समझा सकें जो के बंद कर लिया कॉरिडोर के अंदर ये सीढ़ियां चले गई। जी ये कॉरिडोर के अंदर सीढ़ियां, यही तो इंक्रोचमेंट है, ये इंक्रोचमेंट है और यही जो है ना डीसी का अदालत था मैडम, जो है ना ये हाईकोर्ट का आर्डर था मैडम डीसी को और उसी इंक्रोचमेंट को खत्म करने के लिए हम जो है ना दूसरे दिन से यहाँ है और जब तक ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा इसका फ्रंट है ये कॉरिडोर का हिस्सा था, ये सारे जो है ना बिल्डिंग, ये रिवाइवल ऑफ कॉरिडोर आप कर रहे हैं, ये सारा कॉरिडोर है, ये पब्लिक के गुजरने की जगह है, ये सरकार की जगह है, ये इनकी मिल्कियती जगह है ही नहीं है और इस जगह को एनक्रोच करके ये किराए पर देकर जो है ना इनसे जो है ना पैसे ले रहे थे, किराया ले रहे थे, ये तो एक वैसे भी जो है ना फौजदारी जुर्म है। हमने आकर इनको समझाया कि आप ये इंक्रोचमेंट खुद खत्म करें, उल्टा हमारे खिलाफ जो है ना ये इन्होंने एक मुजामत शुरू कर दी। कल की बात है, हाँ कल की बात है, जो साफ़ज़ाहिर है कि जब किसी का मुफाद जो होगा उसको हम हिट करेंगे तो उसने जो अपने सारे हरबे इस्तेमाल करने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। हमने जो बड़े बड़े इनके जो लीडर थे पहले हमने उनके प्लाजों को हिट किया है और वहाँ जो है ना हाईकोर्ट के साथ पैरेलल ये चीफ जस्टिस साहब भी देख रहे हैं पूरे मुल्क में जो ऑपरेशन है देख रहे हैं और मैं कराची में बड़े पैमाने पे आप जानते हो ऑपरेशन जारी है। खान साहब मैं आपको बता दूं ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, दुनिया न्यूज़ की भी यही ख्वाहिश थी, दुनिया टीवी की भी यही ख्वाहिश थी जो मुझे मेरा इलम है और जो मेरी इतलात हैं और हाई कोर्ट का भी जो ऑर्डर था और मैडम डीसी की भी जो ख्वाहिश थी, आज उस ऑपरेशन को हम जो है ना मुकम्मल करने जा रहे हैं। एक दो दिन और हमारे जो लग जाएंगे लेकिन ये है कि शालमी का जो है ना एक एक आदमी इस ऑपरेशन को अप्रिशिएट कर रहा है, जिनका मुफाद वस्ता है वो बेशक अप्रिशिएट नहीं करेंगे लेकिन जो जनरल पब्लिक है जब आप उनसे पूछेंगे तो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये लाखों करोड़ों की शक्ल में किराया ले रहे थे, ये यहाँ से अगर आप दिखाएं मेरे कैमरामैन तो आपको पता चलेगा कि ये कॉरिडोर जो है इसको जब आप आगे लेकर जाएंगे तो आगे आपको सीढ़ियाँ और ये पूरा प्लाजा जो है इसका मिलेगा और ये कॉरिडोर जो है इस पर पूरे के पूरे पर कब्जा हो चुका है। यही सही है, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक प्लाजा है, इसी तरह जो है ना हर दूसरा प्लाजा जो है उसकी यही इंक्रोचमेंट थी और इस इंक्रोचमेंट को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश सलूबी से हम ख़त्म कर रहे हैं। अब ये है कि मैं जो बता दूँ कि ताजर कम्यूनिटी जो है यहाँ के लोकल जो ट्रेडर्स हैं हमारे साथ तावन कर रहे हैं, वो खुद इनको तोड़ रहे हैं, हमने उनको टाइम दिया कि आप तोड़ें, आपको देखा कि ये पूरी रात जो है ना काम करते रहे हैं। मैं रात 12 बजे इधर से गया हूँ और उस वक्त भी जो है ना आपकी आंखों के रथ जगह तो आज पूरी कौम देख रही है जी। नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसी चीज़ की तनख्वाह लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि आज जो हमें एक हमारा जो टारगेट था कि ये खुद भी जो है ना हमारे साथ चलेंगे, अब ताजर हमारे साथ चल रहे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे लिए काबिल एहतराम है। आइए मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो आपको बड्डू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शालम मार्केट में तारीख में इतना बड़ा ऑपरेशन कभी देखने को नहीं मिला और रेजिस्टेंस जब भी होती थी तो रेजिस्टेंस का जवाब देते हुए रियासत की जानिब से स्टेट की जानिब से नॉर्मलाइज हो जाती थी स्टेट और प्रॉपर जवाब नहीं दिया जाता था, लेकिन इस दफ़ा कल होने वाली जो रेजिस्टेंस थी उसे ना सिर्फ प्रॉपर कुचला गया बल्कि स्टेट ने अपनी रेट भी कायम की और यहाँ बड़े पैमाने पर चीज़ों को जो है नक्शों के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलाने के लिए सिलसिला जो है वो सारा शुरू किया गया। अब यहाँ ये आप देख सकते हैं बोर्ड उतारने का सिलसिला भी जारी है, बड्डू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये बड़े पैमाने पर टीमें लगी हुई हैं। बड्डू साहब कितनी टीमें लगी हैं, कितने लोग हैं इस ऑपरेशन में? हमारे साथ जो है ना हमारे 4 जून हैं, वॉल सिटी का अमला है
और इसके अलावा जो है यहाँ जो है रेवेन्यू का भी अमला है हमारे साथ, तकरीबन हमने पुलिस भी है, तकरीबन जो है ना 250 के करीब जो है ना लोग हैं हमारे, जो है ना मशीनरी है जो काम कर रही है, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं कि ये पब्लिक के गुजरने का जो रास्ता है वो रास्ता क्लियर हो जाए। ये लोग जो है ना यहाँ आएंगे, इनका कारोबार भी जाएगा, पूरे पंजाब से यहाँ लोग आते हैं। शाहआलम मार्केट जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, मुझे पता है कि यहाँ से जो है ना होलसेल की मार्केट है हर शहर। ये मेयर साहब का भी ख्वाब था जी, वो भी चाहते थे कि इसको कर सकें। मेयर साहब ने भी मेरे साथ जो है ना शुरू बनाया था, वो चाहते थे कि मैं खुद भी जो है ना इस प्रोग्राम में आऊँगा और मैं खुद जो है ना इसको जो है ना ऑपरेशन को जो है ना सुपरवाइज करूँगा। मेयर साहब की सेहत अब कैसी है? मेयर साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, दफ्तर आ रहे हैं और वो भी विज़िट करेंगे, सारी चीज़ को देखेंगे, उनका भी शेड्यूल है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इन लोगों को पता था, इल्म था कि हम जो है सरकार के रकबे पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, दुकानें बनाकर बैठे हुए हैं। जब इनको जो है ना मालूम हो गया, नज़र आ गया कि अब ये इनक्रोचमेंट उन्हें हटानी पड़ेगी, तो उसके बाद जो है ये शुरू हो गए। कल कितनी फोर्स आपको डिप्लॉय करनी पड़ी रेजिस्टेंस को नॉर्मलाइज और न्यूट्रलाइज करने के लिए? कल भी हम 4 रिजर्व पुलिस के साथ आए थे, आज भी 4 रिजर्व पुलिस के साथ आए हैं और वो सारे जो है ना हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। आपने देखा होगा इस वक्त जो है ना ये हम खड़े हैं जहाँ ये शू मार्केट है, यहाँ से कुरैशी साहब का तो इसमें ये भी ऑर्डर है कि जो रेजिस्टेंस करता है उस पर इंसदादे जो दहशतगर्दी एक्ट है उसके तहत 780A के तहत पर्चा दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई रेजिस्टेंस करेगा तो हम उसके खिलाफ जो है ना कानून जो है वो अपनी कार्रवाई पूरी करेगा रेजिस्टेंस। और आप रेंजर्स भी तलब कर सकते हैं इस वजह से? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारे ताजर्स के साथ जो है ना कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हम उनके साथ कोई इस तरह का जो है ना वो नहीं करना चाहते कि जिसमें हम उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं। हम तो उनसे जो है ना बार बार मीटिंग करते रहें कि आप ये सारे काम जो है ना खुद करें, ये सारी तजावजात खुद हटाएं। जी क्या कह रहे हैं? जिन दुकानों पर रजिस्ट्रियाँ हैं वो लिटिगेशन में चले जाएं, अली अकबर कुरैशी साहब के पास जाएं। गवर्नमेंट के इदारे ना जो वो उसका सर आसान हाल है ना सर, ये सर सुन सर सुन, आप पढ़े लिखे इंसान है, देखिए जो कोर्ट है ना हाई कोर्ट, आप लिटिगेशन में चले जाएं, कोर्ट में चले जाएं। कोर्ट तक टाइम किसको मिला है? कोर्ट तक जाने का किसी टाइम मिला है? या तो ये कहते हैं रजिस्ट्री जिसके पास है वो रजिस्ट्री शो करे, ठीक है वो काम नहीं होगा। अब देखो उस बंदे के पास रजिस्ट्री है, उसके पास वो टैक्स होल्डर है, टैक्स पे करता रहा, वो बिल भी जमा करवाता, मीटर भी लगा नुक्कर वाला प्लाजा जो वो ये नहीं नुक्कर वाला नहीं, ये वाला ये आगे दुकान है, छोटी सी दुकान है, ये सामने दुकान टूटी है, ये देखें ये भी टैक्स होल्डर बना, टैक्स दे रहा था, ठीक है बिल भी दे रहा है, मीटर लगा हुआ, सब कुछ हुआ, रजिस्ट्री उसके पास है। तो इनकी निशानदेही नहीं पहले हुई? नहीं निशानदेही आगे रात को कार गए, सुबह आगे तोड़ गए, प्रॉपर निशानदेही नहीं आप, कोई निशानदेही। अब ये देखें शेड तोड़ रहे हैं, अब बिजली का देखें क्या होगा, ये हमें सही करवा के देंगे? सारी बातें पूछते हैं, बातें पूछते हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों का अगर निशानदेही गलत हुई है ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं, मैं ये इन्होंने जो बात की है कि रजिस्ट्रियाँ लोग बरामदे की रजिस्ट्री कभी हो सकती है, खुदा का खौफ करें जो आप बात कर रहे हैं, बरामदा लोगों के गुजरने के लिए है, जब बिल्डिंग बनी है आइए जी आगे आइए, उसमें बरामदा इसलिए था कि यहाँ से पब्लिक गुजरेगी, लोग गुजरेंगे।